सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पर्सन को अपने व्हाट्सएप में ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पर्सन को व्हाट्सएप में ब्लॉक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना होगा। तो चलिए यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपना फिंगरप्रिंट का लॉक लगाया हुआ है, तो यहाँ लॉक दे देते हैं, फिर ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने के बाद सिंपली आपको एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर तीन डॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो आपको नीचे में आना होगा जहाँ पर मोर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे और सेकंड नंबर पर यहाँ पर लिखा है ब्लॉक। तो अगर आपको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक करके, आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ ब्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक कर लेना है। ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा। अब ये अगर आपको व्हाट्सएप में मैसेज करेगा या कुछ भी वीडियो फोटो भेजता है तो आपके मोबाइल में नहीं आएगा। आप इसे सिंपली अनब्लॉक करेंगे तो आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। सो गाइस, इस कॉन्टैक्ट को मैंने ब्लॉक कर लिया है। अगर आप इसे अनब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार तीन डॉट के आइकन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली मोर पर आना है। मोर पर आने के बाद यहाँ पर अनब्लॉक लिखा है। अगर आप इसे अनब्लॉक करना चाहते हैं, जो ब्लॉक किया है उसको अनब्लॉक करेंगे फिर से, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ अनब्लॉक हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना, साथ में शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।